मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यतुला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों आप लोगों के लिए अर्जेंट नोटिस है, यूजीसी नेट एग्जाम जिन जिन छात्रों ने दिया है उनके लिए अति आवश्यक सूचना है, बहुत ही जरूरी सूचना है, नहीं तो हो सकता है कि आपका कुछ नंबर से नेट जेआरएफ या नेट चूक सकता है। साथियों ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहेंगे कि जिन जिन लोगों का अगर नेट हो रहा है, अगर वो जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं या जिनका कुछ नंबर से नेट या जेआरएफ चूक रहा है तो उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जाम आने वाला है। और जैसा कि पता है कि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं, 2 बार नेट जेआरएफ और मुझे इस एग्जाम का अच्छा खासा अनुभव है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना सब्जेक्ट का नाम कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करा सकें और पेपर 1 का तो सबको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, अपडेटेड नोट्स प्रोवाइड कराएंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न हर एग्जाम बदलते जा रहा है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है, जो कि स्टूडेंट नोटिस नहीं कर पाते हैं। चलिए तो आज का जो ये अपडेट है, जो महत्वपूर्ण अपडेट है, जो जरूरी है आप लोग को बताना चाहूंगा, देखिए जो आपका लास्ट डेट है आंसर की चैलेंज करने का वो 13 सितंबर है। और ज्यादातर लोगों का ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि सर कोई कर लिया है चैलेंज, अगर कोई भी कर लेगा तो मेरा भी नंबर बढ़ जाएगा। तो हमको ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, ठीक है, कि कोई दूसरा भी क्लेम करेगा तो हमको भी नंबर मिल जाएगा। साथियों बता दें कि इस बार जो आपका आंसर की है और क्वेश्चन पेपर है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक से लेकर ऑप्शन गड़बड़ देने से लेकर, ठीक है, या ऑप्शन सही ऑप्शन को गलत ऑप्शन आंसर की में बताएगा, और ऐसी गलतियां किसी किसी सब्जेक्ट में तो इतना तक स्टूडेंट बता रहे हैं कि 50% है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फॉल्ट है। और अगर इसको आप अप्लाई नहीं करेंगे, चैलेंज वाला फी नहीं भरेंगे, आप दूसरे के आशा में रह जाएंगे, और अगर किसी दूसरे ने भी नहीं चैलेंज किया तो देखिए, नो चैलेंज विल बी एंटरटेनेड विदाउट रिसिप्ट ऑफ प्रोसेसिंग फी, द चैलेंज विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड ऑनलाइन के अलावा। तो हो सकता है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा और एनटीएसी के आधार पर फाइनल आंसर की जारी करेगा, उसके बाद रिजल्ट जारी कर देगा। सो अभी भी समय है, 11:50 तक आप कर सकते हैं। तो आपको जिस क्वेश्चन पे डाउट है, जिस क्वेश्चन का एविडेंस आपके मानक पुस्तक के साथ है, तो आप जरूर करिए। और इस बार एनटीए ने एक गड़बड़ किया है कि क्वेश्चन सही हो जाने पर आपका फी लौटा नहीं रहा है, नॉन रिफंडेबल कर दिया है, तो इस चीज को लेकर हम जोर शोर से उठा रहे हैं। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। तो साथियों ये बहुत ही छोटी सी सूचना है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपका जेआरएफ दिलवा सकता है, 30-35 लाख का स्कॉलरशिप दिलवा सकता है, प्रोफेसर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम रखवा सकता है, और एक क्वेश्चन जो है आपका सब कुछ मटियामेट कर सकता है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जिस भी क्वेश्चन का है तो आप उसको चैलेंज जरूर करिए, किसी दूसरे के भरोसे में मत बैठिए, क्या पता वो आपके भरोसे में बैठा हो। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।